इतिहास रचने निकला चंद्रयान थ्री लैंडिंग में किसी भी गलती को छियानवे मिली सेकंड में सुधारेगा विक्रम लैंडर चंद्रयान थ्री अपनी तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुका है बयालीस दिन लगेंगे विक्रम लैंडर को पहुंचने में चंद्रमा पर क्या ये कारनामा इसरो कर पाएगा चंद्रयान थ्री सफल लॉन्चिंग के लिए भारत का मिशन मून दुनिया की नजर है इस बार श्री हरिकोटा धवन से सेंटर से लॉन्च किया गया है चंद्रयान थ्री मिशन इस बार चंद्रयान थ्री रॉकेट को एल रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है इस बार चंद्रयान थ्री को एल वी एम थ्री रॉकेट से जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वो सत्तर गुना छत्तीस हजार पाँच सौ किलोमीटर वाली अंडाकार जियो श्रिकोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है जिसके जरिए चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन ज्यादा आसान हो जाएगा चंद्रमा की ओर जाने वाला पहले चंद्रयान थ्री को धरती का पांच चक्कर लगाना होगा हर चक्कर पहले वाले चक्कर ऐसी ज्यादा बड़ा होगा तेईस और छब्बीस अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव आरोप उतरेगा विक्रम लैंडर रॉकेट का कुल वजन छह टन बताया जा रहा है साथ ही इसकी ऊंचाई तेयलिस मीटर है इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर लैंड करना और उसके पर्यावरण का अवधन करेगा वैज्ञानिकों का कहना है की सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा उड़ता रहता है पर ऐसा क्यों होता है चंद्रयान थ्री की वही मकसद यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अगर चंद्रयान थ्री का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका रूस और चीन चांद की सतह पर उतर चुके हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई अंतरिक्ष यान नहीं जा पाया है भारत ऐसा कर लेता तो भारत दुनिया की पहली देश बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला